सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था ना, लेकिन आज की क्लास में आपको किसके बारे में समझना है? आउटपुट के बारे में समझना है। और देखिए, यहाँ पे आउटपुट के बारे में क्या बताया जा रहा है, व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट है क्या? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद का रिजल्ट आपका आउटपुट कहलाता है। और फिर कह रहा है कि द थर्ड ऑपरेशन, और यह कंप्यूटर का तीसरा कार्य होता है। अपनी कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करना, ये कंप्यूटर का तीसरा वर्क होता है। और फिर लिखा हुआ है कि द कंप्यूटर शोज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन वे पीपुल कैन अंडरस्टैंड, यानी कि हमारी कंप्यूटर रिजल्ट शो करता है प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग के कार्यों के बाद, और वो ऐसा रिजल्ट हमको दिखाता है जिसको हम आसानी तरीके से समझ सके। और फिर लिखा हुआ है कि डाटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन, ये डेटा की प्रोसेसिंग करता है और इंफॉर्मेशन के रूप में हमको रिजल्ट देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले तो हम अपनी कीबोर्ड के माध्यम से कोई डेटा अपनी कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, देन उसकी प्रोसेसिंग होती किसमें, सीपीयू में होती है, और तब जाके हमको रिजल्ट मिलता है। उसी रिजल्ट को हम आसानी तरीके से मॉनिटर के द्वारा देख लेते हैं, प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, स्पीकर से सुन भी सकते हैं, या प्रोजेक्टर के माध्यम से हम देख भी सकते हैं। तो ये सारे के सारे एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो हमारी कंप्यूटर होती है वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को नहीं समझती, उसकी खुद की भाषा होती है जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। अगर बाइनरी लैंग्वेज में ही परिणाम आपको मिल जाए तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट क्या करता है, कन्वर्ट करता है उस लैंग्वेज में जिसको कि हम आसानी तरीके से समझ सकें, और कन्वर्ट करने के बाद तब जाके वो रिजल्ट दिखाने का काम करता है। एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है, पहला ऑप्शन दिया है इसमें। देखिए, बहुत सारे आउटपुट डिवाइस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, या कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिसको हम आउटपुट डिवाइस में बोल सकते हैं। जैसे कि आपका स्पीकर, स्पीकर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन्स आपका आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन प्लॉटर्स क्या होता है, प्लॉटर्स के बारे में आपने नाम सुना है। प्लॉटर्स का मतलब ये होता है कि जैसे जो प्रेस की जो दुकानें होती है जिसमें बड़े बड़े बैनर पोस्टर डिजाइन करने बाद प्रिंट किए जाते हैं, उसी मशीन का नाम प्लॉटर्स होता है। वो भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। इन सबका काम रिजल्ट देखना ही होता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्रोजेक्टर के बारे में बात करें तो प्रोजेक्टर कैसे आउटपुट डिवाइस है, इसको हम कैसे डिफाइन कर पाते हैं। तो ये प्रोजेक्टर जो आपके सामने लगा हुआ है, देखिए अगर हम प्रोजेक्टर के बारे में बात करें तो प्रोजेक्टर करता क्या है। जैसे कि मान के चलिए एक छोटा सा कंप्यूटर, एक छोटा सा मॉनिटर, और क्लास में हम आसानी तरीके से जो बच्चों को पढ़ा पाते हैं ये देन है। तो एक प्रोजेक्टर का जो इसकी आसानी तरीके से ये बड़े स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है। एक प्रोजेक्टर ही है जो हमारी स्क्रीन को आसानी तरीके से बोर्ड पे दिखाने का काम करता है प्रोजेक्टर, और एक बड़े रूप में दिखाने का काम करता है प्रोजेक्टर। और क्या लिखा हुआ है कि प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो इमेज को बड़ी स्क्रीन या दीवार पे प्रोजेक्ट करता है, और वीडियो या इमेज को लोगों के बड़े समूह को दिखाने के लिए इस मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, उस कंपनी में जैसे मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट अगर है, उस प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है, या क्लास के रूप में, अगर आप क्लास के रूप में यूज कर रहे हैं, या इंग्लिश मीडियम वाले क्लास में चले जाइए आप, वहां पर भी बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो ये क्लास को पढ़ाने के लिए, कोई प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के लिए, इसके लिए ज्यादा मात्रा में प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम में और ऑडिटोरियम में किया जाता है, और इनकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। मतलब इमेज और भी हमारा क्लियर रूप में दिखे, इसके लिए विभिन्न प्रकार के लेंसेज का भी प्रयोग किया जाता है प्रोजेक्टर में। और यहाँ पे बताया जा रहा है, इसलिए हम छोटी सी इमेज को बड़े रूप में दिखाने में सफल होते हैं क्योंकि इमेज लाइट से बनी है, इसलिए इमेज हमारे क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। चूंकि आप ये समझिए कि अगर ये फिगर आपको बेहतर दिख पा रहा है तो ये देन है, तो लेंसेज का ही देन है। क्योंकि अगर आपके प्रोजेक्टर में लेंस नहीं लगा होता तो इतना इजी तरीके से आप किसी भी टॉपिक को आप पढ़ नहीं पाते, आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं। तो इसमें बहुत सारा लेंस लगाया है, उस लेंस के माध्यम से इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी रहे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जैसे बिजनेस मीटिंग में
पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे आजकल की बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग लेवल की कंपनियां हैं, उसमें जैसे कि मान के चलिए कि वो पूरे कस्टमर को इकट्ठा करने के बाद वो अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाता है, ताकि कस्टमर अगर उसमें जो है हिस्सा लेंगे तो उसका कुछ कंपनी का बेनिफिट हो। उस पूरे प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के लिए वो क्या करता है, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करता है, और ऑलरेडी पहले से क्या करता है, पावर पॉइंट के बेस पे एक प्रेजेंटेशन अपना बना करके लेके आता है, और उसी प्रेजेंटेशन को आसानी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सभी लोगों को दिखाने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए प्रोजेक्टर का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या पॉइंट दिया है, स्कूल की क्लास में पढ़ाने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने के लिए, ये जो क्लास आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें जैसे कि मान के चलिए कि प्रोजेक्टर का जो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आप चले जाइए इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में, ज्यादा से ज्यादा आज देखा जाए तो प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया जाए। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, एक टीवी या कंप्यूटर को एक बड़ी स्क्रीन पर मूवी को प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे हॉल में हम जाते हैं मूवी देखने के लिए, हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर भी प्रोजेक्टर के ही माध्यम से आपको मूवी प्रोजेक्ट होता है, उसकी क्वालिटी थोड़ा सा हाई लेवल की होती है जो कि आसानी तरीके से आप ये देख पाते हैं, तो ये एक प्रोजेक्टर ही होता है जो आसानी तरीके से आपको दिखाने का काम करता है। अगला क्या पॉइंट है, तो एक सम्मेलन केंद्र में प्रोडक्ट या सर्विस का डेमो दिखाने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया कोई सम्मेलन हो रहा है या कोई डेमो वगैरह दिखाना है तो इसके लिए ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या पॉइंट लिखा है कि अलग अप्रेंस के लिए दीवार घर या, मतलब इससे फायदा क्या है कि अगर आपके घर में व्हाइट वाला दीवार है या येलो कलर वाला दीवार है तो आप आसानी तरीके से प्रोजेक्टर लगा करके और आप आसानी तरीके से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को देख सकते हैं या मूवी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे प्रोजेक्टर का वर्क होता है जो आउटपुट दिखाने का काम करते हैं। अब दूसरा क्या पॉइंट आता है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखिए ये सबसे पहले मॉनिटर, जो कि मॉनिटर हमारे सामने लगा हुआ है, यही मॉनिटर होता है जिसके माध्यम से हम आसानी तरीके से डेटा को देखने का काम करते हैं। जैसे कि मॉनिटर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर की टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, और यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है। सीपीयू की सभी जानकारी हमको आसानी तरीके से पुट अप हो पाए इसके लिए आपका मॉनिटर हेल्प करता है। और फिर यहाँ लिखा हुआ है, यह एक इंटरफेस की तरह होता है, सीपीयू और यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। सीपीयू और यूजर का मतलब जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, जो कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और फिर यहाँ लिखा हुआ है कि यह सीपीयू के मदरबोर्ड में लगी वीडियो एडाप्टर बीजीए केबल के द्वारा जुड़ा होता है, और ये कनेक्टिविटी कैसा इसका बना होता है, तो बीजीए केबल के माध्यम से जुड़ा होता है। एक बीजीए केबल में दो प्रकार के पोर्ट होते हैं, एक पोर्ट आपके जो है मॉनिटर में लगाए जाते हैं और एक पोर्ट जो है आपके सीपीयू के बीच, मतलब सीपीयू के मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। देखिए इसमें जो पीछे वाला हिस्सा होता है जिसमें कि बहुत सारे पोर्ट आपके लगाए गए हैं, ये एक मदरबोर्ड का ही हिस्सा होता है, इसी मदरबोर्ड के पार्ट में आपका बीजीए केबल लगाया जाता है, तभी जाकर के हमारे ये सीपीयू की इंफॉर्मेशन हमारे मॉनिटर तक आसानी से पहुंच पाता है। हाँ ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है, मॉनिटर होता है। अब इसमें चूंकि मॉनिटर में भी तो कई प्रकार का मॉनिटर होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा टीएफटी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर, ऐसे बहुत प्रकार के मॉनिटर आते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मॉनिटर में पहला मॉनिटर का नाम सीआरटी मॉनिटर, और सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका मेल पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं, और सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करती है, और ये इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन बीम से पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम किया जा सके। और फिर कह रहा है कि सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है, इसीलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती है तो पिक्सल चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर इमेज या लेआउट दिखाई देता है। ये बात हो रही है सबसे पहले सीआरटी के बारे में, सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, और ये कैथोड रे ट्यूब जो ऐसा मतलब एक प्रकार की मॉनिटर है जो कह रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते हैं। और फिर यहाँ पे बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो कैथोड रे की जो किरणें होती हैं उसको क्या किया जाता है, वो तो उत्सर्जित किया जाता है, और फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से पास की जाती है ताकि जो इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसको कम किया जा सके। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है।
फास्फोरस एक प्रकार का था, तो उसकी कोडिंग आपके सीआरटी मॉनिटर पे की जाती है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए जैसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक जो बीम होती है स्क्रीन से जब टकराती है तो उसके पिक्सल क्या होते हैं, चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर इमेज या लेआउट दिखाई देता है। जैसे कि जो हमारी मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर के बनती है, लाखों करोड़ों मैट्रिक्स में पिक्सल जब मिलते हैं तब जाके वो स्क्रीन का निर्माण करते हैं। सोचिए तो वो पिक्सल कैसे बनता है, तो छोटे छोटे डॉट से मिलकर के हमारे पिक्सल बनते हैं। आपने देखा होगा कि जब मोबाइल की स्क्रीन टूटती है तो कई सारा कलरफुल लेयर में आपको दिखाई देता है, वो सब हमारी एक पिक्सल ही होती है, उसको पिक्सल बोलते हैं, वो सब पिक्सल होता है। चलिए अगला क्या आता है, तो अगला पॉइंट आपका आता है एलसीडी मॉनिटर, और एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एलसीडी पतला से फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता है, और इसके नाम से ही इसके काम का पता लग सकता है। इसमें ग्राफिक्स की प्रदर्शन के लिए स्क्रीन में लिक्विड फ्लो करते हैं जो एक फ्लैट सतह पर क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है, और यह कम जगह भी लेता है और कम ऊर्जा भी लेता है तथा पारंपरिक कैथोड रे की पानी की अपेक्षाकृत हीट होता है, और लिक्विड क्रिस्टल डायरेक्टली प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते। अभी जो मैंने अभी आपको बताया सीआरटी के बारे में, सीआरटी में यह दिया था कि वो डायरेक्टली प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन यह ऐसा मॉनिटर होता है जो डायरेक्टली प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता, एक प्रकार का आपका एलसीडी मॉनिटर होता है। प्लस इसकी खास बात यह है कि आप कम जगह भी लेता है तथा कम ऊर्जा भी लेता है, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब बिजली की भी आवश्यकता नहीं होती। अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अगला जो पॉइंट आपका है वो है आपका टीएफटी मॉनिटर, और टीएफटी का पूरा नाम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और देखिए इसमें लिखा भी है कि टीएफटी मॉनिटर में प्रकाश को परावर्तित करने वाली एक पतली लेयर होती है, और सीआरटी तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित किया गया जिसमें केमिकल व कुछ गैसों को एक प्लेट में रखकर के उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है, और यह बहुत ही पतली स्क्रीन होती है और फ्लैट पैनल वजन में हल्की होती है तथा बिजली की कम खपत करने वाली भी होती है। समझ में आ रहा है, ये सब मॉनिटर के बारे में हम बता रहे हैं कि किस मॉनिटर का क्या वर्क है, इसका क्या वर्क है, कैसे ये काम करता है, ये पूरा डिटेल दिख रहा है। इसका क्या मतलब, यहाँ पे ऑप्शन होता है कौन कितना बिजली की खपत करता है, क्या किसका ऑप्शन है, इस सारा का सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अगला जो पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है आपका एलईडी मॉनिटर। नाम तो लगभग आप लोगों ने सब सुना होगा, एलसीडी मॉनिटर है, टीएफटी मॉनिटर है, एलईडी मॉनिटर है, लेकिन नाम के माध्यम से काम के बारे में आपको पता नहीं होगा, इसका वर्क क्या होगा। देखिए एलईडी के बारे में बात करें तो एलईडी के बारे में बता रहा है कि एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और कह रहा है कि जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है और डिस्प्ले दिखाता है। इसमें एक शब्द आया है सेमीकंडक्टर, आपने नाम सुना होगा कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर का मतलब होता है चालक, ये साइंस का शब्द है, चालक में सुचालक कुचालक और चालक आता है, तो इसमें सेमी कंडक्टर की बात हो रही है। सेमी कंडक्टर का मतलब होता है अर्ध चालक, और इसमें जब तक विद्युत नहीं मिलेगा तब तक इसमें ये अपना काम नहीं करेगा, और तब तक ये डिस्प्ले भी नहीं दिखा, ये ऐसा आपका जो है मॉनिटर होता है। और कह रहा है कि एलईडी को आईआरईडी के नाम से भी जाना जाता है, इंटरफेयर इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि एलईडी से जो आउटपुट निकलता है उसकी रेंज लाल हरा व नीला होता है। और एलईडी में दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। और कह रहा है कि इनका जो वजन होता है वो एलसीडी से क्या होता है, हल्का होता है तथा साथ ही उनसे ज्यादा पतले भी होते हैं। ये हमारी बात हो रही है किसकी, एलईडी। चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका प्रिंटर। प्रिंटर आपने देखा है, कितने लोग प्रिंटर नहीं देखे हैं, कोई प्रिंटर ऐसा है जो प्रिंटर नहीं देखा है, सामने देख रहा है प्रिंटर। देखिए प्रिंटर क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो मॉनिटर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, अगर उस डेटा को अगर आपको निकालना है तो उसके लिए प्रिंटर की आवश्यकता होती है, और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिख रहा है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, और फिर कह रहा है कि प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है, और कागज पर आउटपुट किया प्रतिलिपि हार्ड कॉपी में रखता है।
ठीक है ना, यानी कि जो हम प्रिंट आउट कागज पर लेने का काम कर रहे हैं प्रिंटर के माध्यम से, उसी को हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो इस आधार पे हम इसको कौन सा कॉपी बोलेंगे, बोलिए। ये जो प्रेजेंट में दिख रहा है कौन सी कॉपी है, ये सॉफ्ट कॉपी है, और जब इसी की प्रिंट आउट हम ले लेंगे तो उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा है प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है, कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है और प्रिंटर इतना तेजी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए आवश्यकता महसूस किया गया कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक प्रकार की मेमोरी होती है जहां से हम परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप एक बार आपने प्रिंट का कमांड दे दिया कि आपको 250 पेज आपको प्रिंट करना है, कितना 250 पेज आपको प्रिंट करना है, तो क्या करता है, धीरे धीरे प्रिंट करने का काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी एक प्रकार की मेमोरी होती है, उसमें भी एक मेमोरी होती है जो वो डेटा को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है कुछ समय के लिए। जब वो डेटा स्टोर हो जाता है उसको धीरे धीरे परिणामों को प्रिंट करने का काम करता है, एक प्रकार का आपका प्रिंटर होता है। समझ में आ रहा है ना, जो भी आप डेटा हम उसमें प्रोवाइड करते हैं प्रिंट करने के लिए, जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसको ये मेमोरी में स्टोर कर लेता है, मेमोरी में स्टोर करने के बाद आसानी तरीके से प्रिंट आउट होता है। समझ में आ रहा है ना, तो प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के प्रिंटर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए किस प्रिंटर का क्या वर्क होता है, देखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर, मुख्यतः दो प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं, एक आपका इंपैक्ट है दूसरा आपका नॉन इंपैक्ट है। इंपैक्ट के अंतर्गत दो प्रकार का प्रिंटर आता है, एक आपका कैरेक्टर प्रिंटर और एक आपका लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर मतलब अक्षर, कैरेक्टर मतलब अक्षर, ये ऐसे प्रिंटर है जो केवल अक्षर की छपाई करते हैं, और ये ऐसे प्रिंटर है जो केवल लाइन की छपाई करते हैं। तो इसमें दो प्रकार का प्रिंटर आता है, एक आपका है डॉट मैट्रिक्स और एक आपका है डेजी भी। इसमें बात करें तो ड्रैम आता है, चैन आता है, और इसके बाद से कौन सा प्रिंटर, एक बैंड प्रिंटर भी आपका मिल जाता है। ये तीन प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं, किसमें, लाइन प्रिंटर में पाए जाते हैं। अब इसके बाद से नॉन इफेक्ट में, जैसे कि आपका लेजर हो गया, इंकजेट हो गया, थर्मल हो गया, ये सब एक प्रकार के नॉन इफेक्ट में आते हैं। तो चलिए कल की क्लास हम लोग यहीं से जाना जाएगा, इफेक्ट प्रिंटर क्या होता है, यहाँ तक आज की क्लास के लिए, ठीक है।